हिट एंड रन संशोधन बिल के विरोध में निजी बस चालक सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को जिले की 165 निजी बसों का पहिया नहीं घूमा। जिले भर के चालक और परिचालक सुबह ही नए बस अड्डे पर धरने पर बैठे हैं। हड़ताल से परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और लोकल रूट पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं ट्रक यूनियन की हड़ताल के चलते भी जिले से दाल, फल फ्रूट और सब्जियों के साथ साथ कपड़ा, दूध, खाद और दवाइयों का भी आयात निर्यात बंद हो चुका है। हम सब ड्राइवर भाई हैं, हमारा एक ही काम बनता है, देखिए पब्लिक सेवा के लिए हम सब सुबह से लेकर शाम तक सबको पब्लिक सेवा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार अपनी मंशा से दूर नहीं हट रही है। इतनी धुंध कोहरे में कोई ना कोई एक्सीडेंट, देखिए कोई भी ड्राइवर है एक चीटी मार के राजी नहीं है, मगर अनजाने में कोई ना कोई गलती हो ही जाती किसी से। मगर ये 10 साल की सजा और ये जुर्माना जो किया ये सरासर गलत है। हम सब ऑटो ड्राइवर और हरियाणा ऑटो जितने भी ड्राइवर भाई है, देखिए आप उस साइड में, हम सब इसके खिलाफ में रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी इतनी अपील है कि सरकार इन नियमों को वापस करे। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, ऑल प्राइवेट परिवहन समिति, टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन और कैंटर यूनियन ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और परिवहन मंत्री के नाम का मांग पत्र सौंपा है और जिसमें हिट एंड रन संशोधन बिल को तुरंत रद्द करने की मांग रखी गई है। जो ये काला कानून है ना, ये रुकना चाहिए। हमारी तरफ से हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है, इसको वापसी लो। और करीब करीब जिंदगी बस 150 बस हैं, ड्राइवर के साथ ड्राइवर कनेक्टर सभी सहमत हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इसी की वजह से खड़ी कर रखी है हमने, इसी की वजह से आज हमारा को नुकसान भी है लाभ भी है इसमें, ठीक है। तो कितनी टोटल बस ये के चक्के थमे यार? आज जींद की जो 180 बस है, 150 से 200 बस है हमारी जींद जिले की जो बस है 150 से 200 बस रुकी हुई है और हमने खड़ी कर रखी है। इसमें मालिक भी समेत है हमारा और ड्राइवर भी, सारे इकट्ठे हैं हम। चलिए पहले आपको बताते हैं कि हिट एंड रन संशोधन बिल का प्रावधान असल में है क्या, जिसका ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बिल में प्रावधान है कि यदि कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बड़े वाहन चालक को घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यदि चालक मानवता के नाते घायल को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करता है तो आक्रोशित भीड़ चालक की हत्या का प्रयास करेगी, ऐसा ड्राइवरों का कहना है। केंद्र सरकार ने जो 26 दिसंबर को लोकसभा में न्याय संहिता बिल पारित किया है उस पर ड्राइवर आपत्ति जता रहे हैं। ड्राइवरों को डर सता रहा है, अगर वो घायल व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं तो आक्रोशित भीड़ उन पर हमला कर सकती है। इसके साथ साथ इस बिल में एक और संशोधन किया गया है जिसमें लिखा गया है कि यदि घायल की इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो चालक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जो सरासर गलत है। और क्यों मरेगा वो, जो उसकी गलती नहीं है तो क्यों मरना चाहोगा? तो युक्ति काला कानून है, हम भी इस जगह देखा गलत तरीके से भी आ जाए। और पहले ये काला कानून है, अगर गलती किससे की वो बड़े विकल की मानी जाए, यू काला कानून है, यू दूसरा और काला कानून थोपे ही। तो भाई अपनी जान सब बताऊ ही, गलती इस भाई की आ जाए और मैं ड्राइवर हूँ तो मैं यू मार है तो मान ले पब्लिक का नहीं बेरा मन कितनी मार देगी, तो कौन ले जाएगा भाई मेडिकल में? अपनी जान बचाओगा कुछ मेडिकल में ले जाएगा? तो कितनी बसे हड़ताल पे प्राइवेट की बात करें जी, आज टोटल प्राइवेट बसे हड़ताल पे, जिंदगी भी, सोनीपत की भी, रोहतक की भी, हरियाणा की बस हड़ताल पे है। और जब तक हड़ताल पर रहूंगी जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे। आम ट्रक वाले भैया गेला क्योंकि ड्राइवर वो भी है, ड्राइवर हम भी हाँ, सारे भैया का समर्थन चाहिए यार, सारे कर रही है। बाकी आप तो उन्होंने कहा जो भाई कोई सा भी व्हीकल आज का दिन चला रहा है ना, हमने कहा भाई तुम भी खड़ा करो, तुम भी ड्राइवर हो, चाहे वो सरकारी ड्राइवर है चाहे कोई प्राइवेट ड्राइवर है। जीएम की अगर गाड़ी चलाता ना सरकारी ड्राइवर और उसके साथ हादसा होता, जीएम कुछ नहीं करेगा, सजा उसने होगी। हम सारे भाइयों ने कहना चाहूंगा चाहे कोई प्राइवेट का है चाहे सरकारी ड्राइवर है चाहे किमें भी है, बस सब हड़ताल करो, ये काले कानून है, इनको वापस कराया जाए।
हम सरकार से भी गुजारिश कर रहा हूं जब तक धरना चलेगा देश भर के चालक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से चालकों पर दोहरी मार पड़ेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।